नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई जर्नी के साथ। आज हमारी जर्नी होने वाली है भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से बलिया के बीच में चलती है और जो हफ्ते में एक दिन चलती है, रात को 11:30 बजे शनिवार को 11:55 पे शनिवार को मिलती है। और ये हमें अगले दिन 2 बजे दोपहर में बलिया संडे को पहुँचाएगी। ये आनंद विहार का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं हम। आज दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है जिसकी वजह से आपको आप बाहर का सीन दिखा नहीं पाया कुछ। चलिए मिलते हैं, हमारी ट्रेन आती है तो एक जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से नई आपके साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं ट्रेन आने पे। Wave 7 इलेक्ट्रिक मोड लोकोमोटिव के साथ आनंद विहार से बलिया तक चलेगी। लोको सेट तुगलकाबाद का है। दोस्तों, ट्रेन का किराया की बात करें आनंद विहार से बलिया तक का, तो स्लीपर क्लास में 475 रुपये लगते हैं और इसमें थर्ड एसी में 1255 रुपये और सेकेंड एसी में 1775 रुपये और सेकेंड सीटिंग की जनरल क्लास में 280 रुपये लगते हैं। और इसमें फर्स्ट एसी नहीं है और एंट्री की सुविधा नहीं है। इसमें कोच पोजीशन दिखाई जाए तो जनरल के 5 डब्बे हैं और स्लीपर के 9 हैं, थर्ड एसी के 4 डब्बे हैं और सेकेंड एसी के 1 हैं। आनंद विहार से बलिया टोटल 14:10 का समय लेती है। मेरठ पानी जा रहा है, डस्टबिन। ये बड़ा सा मिरर साफ है, पानी भी आ रहा है, टॉयलेट भी साफ है, बिल्कुल साफ है, जिसको हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं। नीचे भी ट्रेन की कंडीशन काफ़ी लगभग सही है। चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 440 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कानपुर रेलवे स्टेशन, और इस ट्रेन का ये दूसरा होल्ट है। अब इसके बाद प्रयागराज आएगा, फिर ज्ञानपुर, फिर बनारस जंक्शन, फिर वहाँ से खुलेगी गाजीपुर, फिर करीमुद्दीन और 2 बजे जाके हमें बलिया पहुँचा देगी। चलते हैं, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं।
वाला भी है, रोड चलो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, हम 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। इस गाड़ी का टाइम था 8:25 और हम पहुंचे हैं 8:10 पे। चलिए आगे का सफ़र शुरुआत करते हैं और इसके बाद अब आएगा ज्ञानपुर। ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन को हम स्किप करेंगे और फिर हम मिलते हैं आपसे बनारस। Thank you.
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन। दो मिनट बैठो हम हटा हटाते पानी हम आ चुके हैं मोरवाडी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब बनारस रख दिया गया है। यहाँ पे आधे घंटे पहले ट्रेन आ गई है, तो अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन के खुलने का। जब तक ये वेक 9 चलिए आपसे मिलते हैं बनारस जंक्शन पे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग बनारस जंक्शन पे आ चुके हैं। गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे ही है, यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसे घाटों का शहर कहा जाता है। और ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका ये संसदीय क्षेत्र है। इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन निकल जाती है बलिया मऊ के लिए, गोरखपुर के लिए एक निकल जाती है लाइन, ये आपको दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय के लिए एक लाइन निकलती है, लखनऊ सुल्तानपुर वाली रूट में एक निकलती है, आपको बनारस मोरवाडी होते हुए इलाहाबाद के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0-4-2-6-4 सुल्तानपुर वाराणसी स्पेशल एक्सप्रेस सुल्तानपुर से चलकर वाराणसी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। धन्यवाद।
दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं गाजीपुर सिटी। यहाँ से चार ट्रेनें यहाँ से बन के चलती हैं, यहाँ से सुहेलदेव बन के चलती है, जो इलाहाबाद के रूट से भी चलती है और सुल्तानपुर लखनऊ के रूट से भी चलती हैं। एक ट्रेन चलती है आपकी कोलकाता के लिए, एक चलती है यहाँ से बन के मुंबई के लिए, और एक यहाँ से ट्रेन चलती है माता वैष्णो देवी लुधियाना होते हुए चलती है। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, पहले 3 था, 2 नए बने हैं। Thank you.
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन बलिया में आ चुके हैं, गाड़ी बिल्कुल टाइम पे आई है। फिर मिलते किसी नई जर्नी में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।